राधे कृष्णा फ्रेंड्स मेरा नाम उमा जिंदल है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स नेट पॉइंट पर फ्रेंड्स पेपर टू की यूनिट सिक्स जिसकी लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रत्यक्षण के अर्थ इसकी सीमा और इसको प्रभावित करने वाले घटकों के बारे में बताया था और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रत्यक्षण की प्रक्रिया और साथ ही प्रत्यक्षण में क्या क्या बाधाएँ आती हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप कॉमर्स नेट नेटवर्ं को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी वहाँ जाकर आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले देखिए प्रत्यक्षण की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस ऑफ परसेप्शन यानी कि जब हम किसी चीज़ का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसका जो प्रोसेस होता है उसकी जो प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है ठीक है तो देखिए प्रत्यक्षण की प्रक्रिया में तीन चरण होते हैं यह है उद्दीपनों के आगतों से निर्गतों का परिणाम होती है ठीक है उद्दीपनों के आगतों से निर्गतों यानी कि उद्दीपन जो होते हैं सबसे पहले वो हमें कोई ना कोई ज्ञान कराते हैं ठीक है थीके? किसी चीज़ का ज्ञान कराते हैं हम किसी चीज़ को देखते हैं सुनते हैं महसूस करते हैं तो ये क्या कहलाते हैं ये उद्दीपन आगत कहलाते हैं ठीक है ये उद्दीपन आगत कहलाते हैं उसके बाद जब हम उनसे किसी चीज़ का अर्थ निकालते हैं कोई व्याख्या करते हैं उन उद्दीपनों की तो वो क्या कहलाती हैं वो उद्वीपन के निर्गत यानी कि आउटपुट कहलाते हैं ठीक है ठीके? आग आ, आगत यानी कि इनपुट और निर्गत यानी कि आउटपुट ठीक है तो सबसे पहले इनपुट करते हैं कोई चीज़ इनपुट होती है उसके बाद उसका जो अर्थ होता है वो क्या कहलाता है आउटपुट कहलाता है ओके तो चलिए स्टेप वन देखिए स्टेप वन है इसका चयन यानी कि सिलेक्शन तो देखिए चयन प्रत्यक्षण प्रक्रिया का सबसे पहला चरण है यह प्रत्यक्षण संबंधी आगतों का वर्णन करता है ठीक है प्रत्यक्षण संबंधी आगत यानी कि जितनी भी इनपुट होंगी चीजें ठीक है उनका वर्णन करता है प्रत्यक्ष ज्ञान संबंधी आगतों में हमारे पर्यावरण में स्थित सभी उद्दीपन आ जाते हैं जिनके अंदर सूचना वस्तु घटनाएं व्यक्ति आदि होते हैं ठीक है थीके? तो जो उद्वीपन है उनके अंदर क्या क्या आते हैं कोई इन्फॉर्मेशन है ठीक है या फिर कोई घटना हो रही है या फिर कोई भी व्यक्ति है जो हमारे आसपास है जिन्हें हम देख पा रहे हैं ठीक है थीके? तो ये सभी चीज़ें किसके अंदर आ जाती हैं ये सभी चीज़ें हमारे उद्दीपनों के अंदर आ जाती है ठीक है क्योंकि हमारे मस्तिष्क में सीमित क्षमता है इसलिए यह सभी उद्दीपनों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता ठीक है तो हमारा जो मस्तिष्क है वो सीमित सीमित है तो एक ही साथ जितने भी उद्दीपन हो रहे हैं हम सभी उद्दीपनों पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते हम केवल उन्हीं उद्दीपनों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे लिए प्राथमिकता होती है जो हमें लगता है कि हमें सुनना चाहिए देखना चाहिए या ये चीज़ हमें करनी चाहिए तो हम वही चीज़ करते हैं तो इसलिए हमारे लिए वही प्रमुख उद्दीपन होते हैं ठीक है तो हम अनजाने में या जानबूझकर कुछ उद्दीपनों का चयन करते हैं ठीक है तो हम कई बार क्या करते हैं हम कई बार हम अनजाने में कुछ उद्दीपनों का चयन करते हैं जैसे कि हमें कुछ अचानक से कुछ दिखाई पड़ जाता है या कुछ अचानक से सुनाई पड़ता है ठीक है तो ये होता है हमारा अनजाने में या फिर जानबूझकर जानबूझकर हम कुछ जानबूझकर सुनना चाहते हैं देखना चाहते हैं ठीक है थीके? तो वो जानबूझ कर के अंदर आ जाता है तो हम कुछ ना कुछ ना कुछ उद्दीपनों का चयन करते हैं ओके और दूसरों की अपेक्षा करते हैं यानी कि दूसरों को हाँ हमें पता ही नहीं चलता कि वहाँ पे वो भी मौजूद है तो इसलिए दूसरों की अपेक्षा करते हैं और कुछ उद्दीपना का चयन करते हैं ठीक है तो चयनित उद्वीपिक जो होते हैं वो ध्यान केंद्रित उद्वीपक बन जाते हैं ठीक है तो जो हमारे चयनित उद्दीपन होते हैं वो क्या होते हैं वो ध्यान केंद्रित उद्दीपक बन जाते हैं क्योंकि हमने उन पर ध्यान केंद्रित किया है तो इसलिए वो ध्यान केंद्रित उद्दीपक बन जाते हैं ठीक है तो इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हैं देखिए एक फिगर है सबसे पहले देखिए ये ये एक फिगर है इसके अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है आप एकदम से जब इस फिगर को देखेंगे तो इसके अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है आप इसके अंदर दो चीज़ें देख सकते हैं अगर आप ब्लैक वाले पार्ट को देखते हैं तो आपको एक वास दिखाई देगा ठीक है एक फ्लावर वास दिखाई देगा आपको अगर आप ब्लैक वाले पार्ट को देखते हैं वहीं अगर आप वाइट वाले पार्ट को आप देखते हैं तो आपको टू ह्यूमन फेसेस दिखाई देंगे इसके अंदर ठीक है तो टू ह्यूमन फेसेस आपको दिखाई देंगे तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज़ का इसके अंदर चयन करें कौन सी कौन से उद्दीपनों का आप सिलेक्शन कर रहे हैं क्या आप, आप व्हाइट वाले पार्ट पे जा रहे हो या ब्लैक वाले पार्ट पे जा रहे हो तो इसलिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ठीक है ऐसा ही देखिए ये दूसरा फिगर भी है इसमें अगर आप ब्लैक वाले पार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको एक ह्यूमन दिखाई देगा जो कि कुछ बजा रहा है ठीक है कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है ब्लैक वाले पार्ट पे अगर आप देख रहे हैं तो और अगर आप वाइट वाले पार्ट पे देख रहे हैं तो आप एक आपको एक लेडी का फेस दिखाई देगा विद विदहेवर्स है ना तो इसलिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से उद्दीपनों का चयन कर रहे हो तो इसे ही हम क्या कहते हैं इसे हम सिलेक्शन कहते हैं ठीक है थीके? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा संगठित करना यानी कि ऑर्गेनाइज करना चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना जो हम देखते हैं सुनते हैं महसूस करते हैं उनको ऑर्गेनाइज करना तो देखिए यह प्रत्यक्षण का दूसरा चरण है इसके अंदर उत्तेजनाओं को मानसिक रूप से एक अर्थगत प्रतिमान के रूप में व्यवस्थित किया जाता है यानी कि इसके अंदर हमने जितने भी उद्वीपन देखे हैं हमारी जो उत्तेजनाएं हो रही है हमारे अंदर उसको हम क्या करते हैं उसको हम अपने अनुसार उनको व्यवस्थित करते हैं ठीक है ठीके? इसके अंदर प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक आगतों को उनकी निकटता समानता और अंतर आदि के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है तो देखिए उनको हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं सबसे पहले निकटता यानी कि जो एक दूसरे के वस्तु के निकट होता है ठीक है एक दूसरी वस्तु के निकट होता है जैसे आपको मैं एक एग्जाम्पल बताऊं तो देखिए अगर मान लीजिए कि कई सारे जो सर्कल्स हैं वो एक साथ हैं ठीक है थीके? तो क्या आप इन सर्कल्स को अलग अलग देखोगे नहीं ना तो आप इसको क्या कहोगे कि ये सर्कल्स का ग्रुप है ठीक है बहुत सारे सर्कल्स जब बने हुए होंगे तो आप उनको एक अर्थ दे दोगे उनको एक तरीके से ऑर्गेनाइज कर दोगे तो वो आप उनको ये कहोगे कि ये जो है ये एक सर्कल्स का ग्रुप है आप अलग अलग सर्कल्स को नहीं देखोगे है ना तो उसके बाद आते समानता समानता यानी कि जब कोई चीज़ें एक दूसरे से समान होती हैं जैसे कैट्स होती हैं या डॉग्स होते हैं ठीक है थीके? तो अलग अलग कैट्स जो कैट्स हैं और जो डॉग्स हैं तो आप उनको एक साथ देखोगे कि कैट्स इतनी हैं और डॉग्स इतनी हैं है ना तो आपने उनको समान समानता के हिसाब से व्यवस्थित कर दिया जैसे मान लीजिए थ्री कैट्स हैं कहीं पे और फोर फोर डॉग्स हैं तो आप उनको अलग अलग समानता के हिसाब से कि पे थ्री कैट्स और फोर डॉग्स हैं ना आप अलग अलग कैट को और अलग अलग डॉग को नहीं देखोगे ना तो इस तरीके से हम उनको समानता के हिसाब से व्यवस्थित कर देते हैं ठीक है साथ ही साथ जैसे कई बार क्या होता है कि अगर आप पेन को अलग रखते हैं पेंसिल्स को अलग रखते हैं है ना पेन पेंसिल्स या कोई फाइल्स हैं तो फाइल्स का एक अलग ड्रॉर बनाते हैं तो इसके हिसाब से आप समानता के हिसाब से उनको बांट रहे हो कि ये फाइल्स हैं तो फाइल्स वाले ड्रॉर में पेन पेंसिल्स हैं तो उस वाले ड्रॉर में है ना तो हम इनको अलग अलग चीज़ों को उनकी समानता के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं ठीक है उसके बाद डिफरेंस डिफरेंस यानी कि जो एक दूसरे से भिन्न है जो चीज़ें ठीक है जो एक दूसरे से भिन्न है उनको हम अलग अलग, अलग जगह पे रखते हैं या फिर अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से उनको डिफाइन करते हैं ठीक है तो इसे ही हम ऑर्गेनाइज करना आ, कहते हैं कि उनकी जो विशेषता है उसके आधार पे निकटता समानता या अंतर इस टाइप से हम उनको ऑर्गेनाइज कर देते हैं चीज़ों को ठीक है उसके बाद आता है हमारा थर्ड स्टेप व्याख्या करना व्याख्या करना यानी कि इंटरप्रटेशन ठीक है तो देखिए इस अंतिम चरण में संगठित उद्दीपकों को अर्थ प्रदान किया जाता है उद्दीपकों की व्याख्या स्वयं के अनुभवों अपेक्षाओं आवश्यकताओं विश्वासों और अन्य कारकों पर निर्भर करती है तो देखिए जो व्याख्या होती है ये हर व्यक्ति अपने तरीके से करता है अपने अनुभवों अपनी उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं क्या चीजें हैं मतलब क्या क्या उसने देखा क्या उसने महसूस किया वो अब हर व्यक्ति अपने तरीके से करता है तो एक ही जो चीज़ होती है वो एक ही चीज़ की अलग अलग व्यक्ति द्वारा अलग अलग व्याख्या हो सकती है ठीक है तो इसलिए जो चरण है ये प्रकृति में व्यक्ति परक है और एक ही उद्वीपक की अलग अलग व्यक्तियों द्वारा अलग अलग व्याख्या की जा सकती है ठीक है कि चीज़ तो एक ही है लेकिन हर पर्सन उसको अपने तरीके से डिफाइन कर सकता है अपने तरीके से उसको अर्थ कर दे सकता है अपने तरीके से उसकी व्याख्या कर सकते हैं जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं कि मान लीजिए कि आप और आपका फ्रेंड वहाँ पे एक मेले में गए हो ठीक है आप गए हो साथ में जो आपका फ्रेंड है वो भी मेले में गया है ठीक है तो वहाँ जाकर आप क्या देखोगे मान मान लीजिए आपको खाने की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है ठीक है तो मेले में जब आप जाओगे तो वहाँ पर आप खाने की चीज़ें देखोगे ठीक है तो दूसरी चीज़ों से आपको मतलब ही नहीं होगा है ना और वहीं जो आपका फ्रेंड है तो वो क्या उसको मान लीजिए कोई एडवेंचर राइड्स वगैरह में पस ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वो क्या करेगा वो एडवेंचर राइड वगैरह वहाँ पे ढूंढेगा और उनको देखेगा है ना तो इसलिए फिर जब आप घर पे आते हो तो आप उसको डिफाइन कैसे करोगे आप उसको उसकी व्याख्या कैसे करोगे आप अपने शब्दों में करोगे क्योंकि आपने वहाँ पर क्या देखा आपने वहाँ पर खाने की चीज़ें देखी तो आप बताओगे कि वहाँ पर क्या क्या खाने की चीज़ें थी है ना लेकिन मौजूद तो वहाँ पर और भी चीज़ें थी लेकिन आप अपने शब्दों में उसकी व्याख्या कर रहे हो इसी तरीके से जो आपका फ्रेंड है वो एडवेंचर राइड्स के बारे में बताएगा कि कौन कौन सी एडवेंचर राइड्स थी वहाँ पर है ना, तो इसलिए हर व्यक्ति जो होता है वो अपने अपने तरीके से चीजों को डिफाइन करता है अपने अपने तरीके से उनकी व्याख्या करता है ओके? तो देखिए ये प्रोसेस का फिगर है यहां पे सबसे पहले देखिए प्रत्यक्ष प्रत्यक्षाण प्रत्यक्षणात्मक आगत ठीक है तो उद्वीपक से संबंधित सूचना संवेदी अंगों में प्राप्त होती है ठीक है सबसे पहले ये हमें उद्वीपक से जो हमारी सूचना संवेदी अंग होते हैं यानी कि सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे उससे हमें मिलती है ठीक है उसके बाद इसकी प्रक्रिया चयन संगठन और व्याख्या ठीक है हम चयन संगठन और व्याख्या करते हैं इसके अंदर उसके बाद इसका जो निर्गत होता है यानी कि उसका जो आउटपुट होता है वो व्यवहार मनोभाव विश्वास यानी कि अपने हिसाब से उसको हम उसकी व्याख्या करते हैं ओके okay? तो ये थे प्रत्यक्षण की प्रक्रिया अब हम पढ़ेंगे सही प्रत्यक्षण में बाधाएं यानी कि बैरियर्स टू एक्यूरेट परसेप्शन यानी कि जब हम प्रत्यक्षण करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या बाधाएं आती हैं तो देखिए सही प्रत्यक्षण ज्ञान में बाधाएं वस्तुएं वास्तव में क्या हैं और आपकी समझ के अनुसार वस्तुएं क्या हैं के बीच अंतर पैदा करती है ठीक है तो देखिए बाधाएँ क्या होती हैं बाधाएँ का मतलब है कि वस्तुएँ वास्तव में क्या हैं ठीक है एक्चुअल में जो वस्तुएं हैं वो क्या है और हम उनको किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं अपनी समझ के अनुसार किस तरीके से उसको बता रहे हैं तो उनमें अंतर है जो वही क्या होता है वही बाधा होती है ठीक तो है तो सही प्रत्यक्षण में जो बाधाएं हैं फर्स्ट देखिए फर्स्ट है स्टेरियो यानी कि इंग्लिश में भी हम इसे स्टेरियो ही कहते हैं ठीक है थीके? तो देखिए स्टेरियो क्या है कोई व्यक्ति किस समूह का है ऐसा मानकर उसके संबंध में निर्णय ठीक है तो ये क्या है मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है वो एक ग्रुप से रिलेटेड है और उसके ग्रुप उस ग्रुप के बारे में बारे में जैसी धारणा है तो उस पर्सन के बारे में भी वैसी ही धारणा बना लेना ये क्या कहलाता है ये स्टीडियो टाइपिंग कहलाता है ठीक है इसका एक एग्जाम्पल बताती हूँ आपको कि मान लीजिए जैसे वुमेन्स के जो ग्रुप हो माना जाता है कि जो वुमेन्स होती हैं वो इमोशनल होती हैं ठीक है थीके? जो वुमन्स होती हैं वो इमोशनल होती हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सभी वुमेन जो हों वो इमोशनल ही हों हो सकता है कि कोई एक्सेप्शनल केस भी होता है पे है ना लेकिन ऐसा मान लेना कि सभी वुमेन्स जो होती हैं वो इमोशनल होती हैं तो ये स्टीरियोटाइपिंग हो जाएगी ठीक है ऐसे ही देखिए अगर हम बोले कि आ, यंगर जो बॉयज़ हैं वो सभी एक्टिव हैं ठीक है यंगर बॉयज सारे एक्टिव हैं तो ये भी एक स्टीरियोटाइप हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि सभी यंगर बॉयज़ जो हैं वो बॉयजिव हो, हो सकता है कोई लेजी भी हो ओके उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा हेलो प्रभाव हेलो प्रभाव यानी कि हेलो अफेक्ट बोल सकते हैं इंग्लिश में तो देखिए किसी एक विशिष्टता के आधार पर किसी व्यक्ति के संबंध में सामान्य धारणा बनाना ठीक है किसी एक विशिष्टता के आधार पर यानी कि कोई एक क्वालिटी देख के या कोई एक कमी देख के उसके संबंध में ये बना लेना कि एक क्वालिटी देख के आप उसके संबंध में ये निकाल रहे हो डिसीजन कि वो बहुत अच्छा है और अगर या फिर एक नेगेटिव पॉइंट देख के निकाल रहे हो कि ये भाई सही से काम नहीं कर सकता तो इसे इफेक्ट कहा जाता है ठीक है जैसे आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ मान लीजिए कि कोई वर्कर है ठीक है मान लीजिए कोई वर्कर है वो टाइम पे आता है ऑफिस में डेली टाइम पे आता है और जो उसकी जो अटेंडेंस है वो एकदम फुल है यानी कि हंड्रेड परसेंट वो अटेंडेंस दे रहा है ठीक है तो उसके बारे में ये बना लेना धारणा कि ये जो वर्कर है ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाएगा ठीक है ये जो वर्कर है बहुत रिस्पॉन्सिबल है ये सारे काम बहुत अच्छे से करेगा तो इसे हेलो इफेक्ट कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जो वर्कर अटेंडेंस में हंड्रेड परसेंट है वो और कामों में भी बहुत ही अच्छा करेगा है ना तो ये ये ज़रूरी नहीं है तो अगर ऐसी कोई धारणा बनाता है तो उसे हलो इफेक्ट कहा जाता है ओके उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मेरे जैसे प्रभाव की कल्पना यानी कि प्रोजेक्शन तो देखिए इसके अंतर्गत लोगों की प्रवृत्ति होती है कि वे अन्य व्यक्तियों को अपने समान समझते हैं ठीक है तो इसके अंदर क्या होता है कि जो व्यक्ति होते हैं वो अन्य व्यक्ति जो होते हैं उसको भी अपने समान समझते हैं जैसे मान लीजिए कि कोई डिसऑनेस्ट पर्सन है ठीक है कोई डिसऑनेस्ट पर्सन है तो वो क्या करता है वो दूसरे व्यक्ति को भी डिसऑनेस्ट समझता है ठीक है कि ये भी जैसे मैं भाई डिसऑनेस्ट हूँ मैं ईमानदार नहीं हूँ तो ये सामने वाला भी ईमानदार इम, नहीं होगा ठीक है इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति जो है किसी चीज़ से डरता है तो उसे लगता है कि वो दूसरी व्येक्टी, दूसरे व्यक्ति को भी उस चीज़ से डर लगता होगा है ना तो इस तरीके से जो व्यक्ति होते हैं वो अन्य व्यक्तियों को भी अपने समान समझते हैं और अपने से भिन्न व्यक्तियों की अपेक्षा अपने जैसे व्यक्तियों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं यानी कि जो उनके जैसे व्यक्ति होते हैं उनके साथ ही अच्छा व्यवहार करते हैं ठीक है जैसे मान लीजिए कि एक मैनेजर है ठीक है वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है और बहुत अच्छा काम करता है ठीक है तो उसे क्या लगता है कि जो मेरे वर्कर्स हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं और वो भी बहुत अच्छे से काम करेगा ठीक है और वो क्या करता है वो उन्हें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे देता है उनसे बात किए बिना ठीक है तो ये हो जाता है प्रोजेक्शन तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो अगर मैनेजर सोच रहा है तो वर्कर भी उतने ही अच्छे से काम करेंगे तो अगर वर्कर जो मैनेजर होता है उसे लगता है कि वो जो वर्कर हैं वो अच्छा काम नहीं कर रहे तो वो उनके साथ जो है अच्छा व्यवहार नहीं करते तो देखिए उसके बाद आता है चयनात्मक प्रत्यक्ष ज्ञान यानी कि सिलेक्टिव परसेप्शन ओके तो देखिए ये स्पष्ट करता है कि लोग जो कुछ भी देखते हैं ठीक है उसकी व्याख्या अपने हितों पृष्ठभूमि अनुभव और अभिवृत्तियों के आधार पर चयनात्मक ढंग से करते हैं ठीक है थीके? तो कोई भी व्यक्ति जो है वो कुछ भी देख रहे हैं या कुछ भी मतलब अपने साइंस ऑर्गन से कुछ भी मतलब उनको ज्ञान हो रहा है ठीक है तो वो क्या करते हैं उसकी व्याख्या अपने हितों पृष्ठभूमि अनुभव और अभिवृत्तियों यानी कि उनको जैसा लगता है उसके आधार पर करते हैं ठीक है थीके? तो इसका एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको कि मान लीजिए कोई टीचर है ठीक है कोई टीचर है अगर आप उसको पसंद नहीं करते हो अगर आप उसको पसंद नहीं करते हो तो आप उसको डिफ़ाइन कैसे करोगे उसकी व्याख्या कर कैसे करोगे आप अपने तरीके से ही उसकी व्याख्या करोगे कि वो अच्छा नहीं है इस तरीके से नहीं पढ़ाता या वो बोर्ड डाँटता है वो अच्छे मार्क्स नहीं देता है ना इस तरीके से आप उसको डिफाइन करोगे लेकिन अगर वहीं दूसरा पर्सन जो है वो उस टीचर को बहुत पसंद करता है तो वो उसको अपने तरीके से डिफाइन करेगा कि वो कहेगा भाई वो टीचर जो है वो बहुत काइंड है है ना वो बहुत हेल्प करता है और बहुत ही मतलब बहुत ही उनका सॉफ्ट नेचर है तो इस तरीके से जो है वो चीज़ों को डिफाइन करेगा है ना तो जो हर व्यक्ति होता है वो अपने हिसाब से चीज़ों को डिफाइन करता है तो इसे हम क्या कहते हैं इसे हम चयनात्मक प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं ओके उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट है हमारा तोड़ मरोड़ यानी कि एक्सपेक्टेशन ठीक है तो इसका अर्थ है कि यदि किसी आक, ऐसे आंकड़े हमारे सामने आते हैं जो हमारी धारणा के अनुकूल नहीं है तो उन्हें तोड़ना मर ठीक है तो एक व्यक्ति की आ, क्या मान्यता होती है कि जो आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं ना वो उसके अनुसार हों ठीक है उसके एक्सपेक्टेशन पे हो ठीक है अगर ऐसा नहीं होता तो वो उनमें क्या करता है वो उनमें चेंजेस करता है ठीक है मान लीजिए कि आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हो आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हो कि हावई यू आपने क्वेश्चन किया हावई यू और अगर आप चाहते हो कि इसका आंसर जो दे वो वो फाइन में दे क्योंकि आपको वो फाइन लग रहा है ठीक है आपको अगर वो फाइन लग रहा है ठीक लग रहा है तो आप चाहते हो कि उसका आंसर वो फाइन में दे लेकिन वो क्या करता है वो अपनी बॉडी लैंग्वेज ऐसी दिखा रहा है आपको कि जैसे वो ठीक नहीं है है ना तो आप क्या करोगे जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है जो उसकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है आप उसको इग्नोर कर दोगे क्यों क्योंकि आपको वो ठीक लग रहा है और आप चाहते थे कि वो अपने आप को सही बताए लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा तो इसे हम क्या कहते हैं इसे एक्सपेक्टेशन या फिर तोड़ मरोड़ कहते हैं उसके बाद लास्ट में आता है हमारा विभिन्नता प्रभाव यानी कि कंट्रास्ट इफेक्ट तो देखिए कंट्रास्ट इफेक्ट क्या है किसी व्यक्ति की विशिष्टताओं का मूल्यांकन उन व्यक्तियों की तुलना में करना जिनके पास भी वही विशिष्टताएं हैं पर वे ऊंची या नीची श्रेणी के अंतर्गत आते हैं इसका मतलब है कि कोई ऐसे व्यक्तियों की आपस में तुलना करना जिनके अंदर जो गुणवत्ता है वो वो तो कम या अधिक होती है किसी के अंदर कम गुणवत्ता होती है और किसी के अंदर ज़्यादा गुणवत्ता होती है लेकिन जो उनका बेस होता है जो उनका आधार होता है वो सेम होता है ठीक है इसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ आपको अच्छी तरह समझ आएगा देखिए ये तीन बॉक्स बने हुए हैं यहाँ पे ठीक है तीन बॉक्स बने हुए हैं बॉक्स वन बॉक्स टू बॉक्स थ्री ठीक है तो आज इसमें से पूछा जा रहा है विच सेंटर ग्रे बॉक्स इज लाइटर जो सेंटर में जो ग्रे बॉक्स बने हुए हैं उनमें से कौन सा लाइटर है ठीक है तो आप कौन सा बताओगे जब आप देखोगे आप बोलोगे बॉक्स वन जो है वो लाइटर है क्योंकि ये सबसे कम जो है वो दिखाई दे रहा है, है ना तो लेकिन लेकिन इसके अंदर क्या गलती हुई है कि हमने इसका बेस तो देखा ही नहीं क्योंकि इसका जो बॉक्स टू है इसका जो बेस है वो ब्लैक है तो ऑटोमेटिकली जो ग्रे है यहाँ पर ज़्यादा दिखाई देगा क्योंकि जो उसका बेस है वो ब्लैक है तो इसे ही हम क्या कहते हैं इसे हम कंट्रास्ट इफेक्ट कहते हैं ठीक है थीके? तो कंट्रास्ट इफेक्ट का मतलब होता है हम ऐसी चीज़ों की तुलना करते हैं जो अपनी विशिष्टताओं अपनी विशेषताओं के आधार पर ऊंची या नीची श्रेणी के होते हैं यानी कि जो उनके अंदर गुण होते हैं वो कम या ज़्यादा होते हैं लेकिन उनका बेस एक जैसा होता है क्योंकि ये तीनों ही स्क्वायर हैं और तीनों ही ग्रे हैं तो इनका जो बेस है वो सेम है ठीक है लेकिन जो इनकी क्वालिटीज हैं वो अलग अलग हैं कि इसका जो बैकग्राउंड है वो ग्रे है और इसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक है तो ऑटोमेटिकली जो ये ग्रे है वो ज्यादा दिखाई देगा ठीक है तो इसको हम क्या कहते हैं इसको, है? इसको हम कंट्रास्ट इफेक्ट या फिर विभिन्नता प्रभाव कहते हैं ओके तो ये थी प्रत्यक्षण की प्रक्रिया और प्रत्यक्षण में आने वाली बाधाएं तो आज के लिए इतना ही आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी इस वीडियो से बेनिफिट उठा सकें और कमेंट करना मत भूलिए कि आपको वीडियो कैसा लगा थैंक यू